अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं जन्नत राहिल। आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं फुल बॉडी वाइटनिंग रेमेडी। ये फुल बॉडी वाइटनिंग स्प्रे है जिसको आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे करोगे आपको फुल बॉडी वाइटनिंग मिलेगी। ये इतना ज़बरदस्त स्प्रे है कि आपकी स्किन को फुली वाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ये स्प्रे आप अपनी फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हो, किसी भी बॉडी पार्ट पर यूज़ कर सकते हो। ये 100% नेचुरल है, इसको यूज़ करने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपका स्किन टोन भी बहुत जल्दी लाइट होगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी को टीन एज के लड़के लड़कियां भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है जिसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और यूज़ करना उससे भी ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सके। तो सबसे पहले जो आपको इसके लिए चाहिए होगा वो है गोट मिल्क। आपको जो है बकरी का दूध चाहिए होगा। गोल्ड मिल्क के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये स्किन टोन को लाइट करने के लिए सबसे बेस्ट मिल्क समझा जाता है। तो मैं इसमें तकरीबन हाफ कप जो है वो गोल्ड मिल्क का डालूंगी बकरी के दूध का। बकरी के दूध में स्किन मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, ख़ासतौर पर विटामिन ए जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट विटामिन समझा जाता है, और इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन टोन को लाइट करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी ग्लिसरीन। मैं इसमें 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन का ऐड करूंगी। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हेल्दी करने में, मॉइस्चराइज करने में और ग्लोइंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 टेबलस्पून रोज़ वाटर का। आप इसकी क्वांटिटी इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, तकरीबन आप इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो रोज़ वाटर का ऐड कर सकते हैं। रोज़ वाटर स्किन के पीएच बैलेंस को कंट्रोल करने में और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन जूस। मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस का ऐड करूंगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेमन में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है जो स्किन टोन को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो लेमन जो है वो स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ समझी जाती है, और इस रेमेडी में तो इसका रिजल्ट और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने मिक्स करना है और एक खाली कंटेनर में, एक खाली स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी रेडी हो चुकी है जो आपके स्किन टोन को दिनों में लाइट करेगा। इसको आप फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इसको फेस पे, हाथों, पाँव पे, किसी भी पार्ट पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको फ्रिज में 15 दिन के लिए ईजिली स्टोर कर सकते हैं। आपने इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने अपने जिस बॉडी पार्ट पर इसको अप्लाई करना है उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आप इसका स्प्रे करेंगे अपनी बॉडी पार्ट पर और सिर्फ उसको हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ देना है। आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ मॉइस्चराइज़र भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एज अ बॉडी लोशन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका रिज़ल्ट आपको कुछ ही दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसमें वाजिया फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी स्किन कितने अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो गई है और उसका स्किन टोन भी लाइट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर यूज़ करें और 1 मंथ के लिए रेगुलर यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर प्रोफाइल नेम शो हो रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।